85 से रहे आज तक हमने कभी कांग्रेस वोट नहीं दिया। अच्छा, जो बीजेपी को दिया था। 38 साल में सदा से बीजेपी कराया हूँ। अब की बार पहली बार विधानसभा में अपनी मत और अपने जो मित्र और सहेले समाज के लोग हैं उनकी वोट दिला रहा हूँ। मतलब 35 साल से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। 38 साल से। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव कर दिया? बाबा जी सिकल चची ने दिला वोट, वो बाबा बालकनाथ की। ये बाबा जी, ये बाबा नहीं है, स्वाद हुए साधु नहीं है, स्वाद हुए। अच्छा, हालत घट खराब है इसकी। सांसद तो बनाया था यहाँ की जनता, बनाया मोदी के नाम पे बना था, मोदी का चुनाव नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी अभी भी तो आ रहे हैं। गहलोत जी का चुनाव है मैडम, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारा भाईचारा है। ऐसे नहीं, बहुत जब से जन्म लिया जब से भाईचारा होता है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो ये क्या अफवाह बनाते हैं, ये परंपरा रही है बीजेपी में, बीजेपी में रहा हूँ। ये परंपरा रही है बीजेपी की। हम जहाँ 100 वोट हुए 1000 वोट बनाते हैं, हम हवा हवा 1000 वोट की बनाते हैं। पोल खोल रहे हैं बीजेपी, खोलूंगा। जब कैंडिडेट ऐसे लिया लोकल को टिकट देता तो मैडम बीजेपी के साथ रहता, अभी भी बीजेपी के साथ लोकल टिकट आता तो। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। इस वक्त हम राजस्थान की चुनावी यात्रा में उन विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं जिस पर नज़र सबकी बनी हुई है। वहाँ की जनता उन सारी चीज़ों को कैसे देख रही है जो चीज़ें बाहर अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं, वो भी आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और तिजारा विधानसभा में हमारी मौजूदगी काफ़ी समय से बनी हुई है। हर समाज के लोग यहाँ से बाबा बालकनाथ को लेकर और इमरान खान को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ हैं, किसके पक्ष में हैं, ये आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो रूबरू आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो शख्स हैं, वो उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सैनी समाज के पूर्व प्रधान हैं और पहलवान भी हैं, ओम पहलवान इनका नाम है। तो इनसे जानते हैं कि इनका समाज किस तरफ जाने वाला है। यहाँ इस विधानसभा की जो चर्चा बाहर भी चल रही है, उतनी ही चर्चा हिंदू मुस्लिम को लेकर भी चल रही है। क्या यहाँ पर भी वो जो व्यवस्था है वो बनी हुई है, या फिर जो जनता है वो हर चीज़ को खारिज कर और कुछ एक नया इतिहास बनाने वाली है। ओम जी, आपसे शुरू करेंगे, क्या लग रहा है तिजारा विधानसभा का माहौल क्या है? मैडम जी, पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। दूसरे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है। अच्छा, बाहर तो बोला जा रहा है पूरा सीट ही हिंदू मुस्लिम हो गई है। ये सब जो बीजेपी वाले है ना, ये हौला बना रहा है। जिनकी दुकान में सामान नहीं होता है ना, वो ज्यादा हौला करता है। और 85 से अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो भाईचारा का हो रहा है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो ये बाबा जी के साथ लग रहे हैं ना, जो फर्जी नाटक कर रहे हैं, जो ये 10-15 वोट जो टिकट मांगने वाला टिकट उधारी था, जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, वो सब पोपलीला दिखा रहे हैं। ऊपर ले मन से बाबा के साथ है, अंदर से घात है। अच्छा, हालात ये है, बीजेपी के हालात बता रहे हैं। बीजेपी के हालात बता रहा हूँ। यहाँ से तो बीजेपी पूरा बढ़ चढ़ कर पूरा बुलडोजर पर कभी यात्रा निकल रही है, हाथी पर बाबा कभी निकल रहे हैं, जोर शोर से दिख रहा है। जितना बुलडोजर दिखाते उतना ही साफ हो रहा जा रहा है बाबा जी। अच्छा, जितना बिलो जो दिखता है ना, उतना ही बाबा जी साफ हो रहे हैं। यह चुनाव सीधा सीधा इमरान भाई जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग 1.25 लाख वोट कम से कम इमरान जी ले रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ा पूरा सीधा सीधा चुनाव है, इसमें ज़्यादा कोई बारीकी से घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा चुनाव है। यह तो इतना बढ़िया चुनाव है जी, अब की बार पहली बार 85 से आज तक देख रहा हूँ, 85 से अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं ना, जो बढ़िया शांतिप्रिय हो रहे हैं। ऐसा क्या अलग है इस बार के चुनाव में? अब की बार ये बाबा आना सारा सिस्टम खराब हो गया यहाँ का। अगर कोई लोकल चुनाव होता है, यहाँ लोकल मानता कैंडिडेट होता ना, तो इस तरह का चुनाव नहीं होता। ये बाबा आना से सारी सिस्टम खराब हो गया। तो यही तो बोला जा रहा है कि बाबा को लेकर आए हैं इस सीट पे, तो मतलब अलग तरीके। ये बाबा सांसद है, फिर एमएलए बनेगा तो इसकी ठेकेदारी थोड़ी, जनता मान रही है इस बात को, जनता समझदार है यहाँ की। पहले 10 साल इसका गुरु जी रहा चांदनाथ, उसने सिकल नहीं दिखाई। अब वैसे बाद में गुजर का भी आ गया है ना, इसने सिकल ना दिखाई। तो इसको एमएलए भी चाहिए और एमपी भी चाहिए। तो जनता, तिजारा की जनता बहुत होशियार है, बहुत अकलमंद जनता है, सोच समझ के मतदान करेगी, इमरान भाई के पक्ष में करेगी। लेकिन जो बोला जा रहा है कि चलो मुस्लिम वोट तो मिल जाएंगे इमरान खान को, हिंदू वोट्स की चर्चा ज्यादा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू वोट 30-40% हिंदू वोटिंग मिल रही है इमरान खान, इमरान भाई को। बाबा बालकनाथ कहाँ जाएंगे फिर? वो तो दावे कर रहे थे बालकनाथ बाबा अपना जाएगा वही, जहाँ इसका ठिकाना है। और इसका इसका लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 25 तारीख को 6 बजे तक तिजारा है। हाँ। उसके बाद सीधा मठ भग जाएंगे। हाँ। तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। अच्छा, ये तय मान लो आप। तो आप जो बोल रहे हैं कि हिंदू जनता भी इनके साथ है, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ का एक पॉपुलेशन ग्राफ सामने आ रहा है, मैं अपनी बताना चाह रहा हूँ। हाँ। 85 रहे आज तक। हाँ। हमने कभी कांग्रेस वोट नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी को दिया था। 38 साल में सदा से बीजेपी कराया हूँ,
अब की बार पहली बार विधानसभा में अपनी मत और अपने जो मित्र और सहेली समाज के लोग है उनकी वोट दिला रहा हूँ। मतलब 35 साल से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। 38 साल से। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव कर दिया? बाबा जी सिकल चची ने दी वोट को, बाबा बालकनाथ की। ये बाबा जी, ये बाबा नहीं है, स्वाद हुए साधु नहीं है, स्वाद हुए। अच्छा, हालत घर खराब है इसकी। सांसद तो बनाया था यहाँ की जनता, मोदी के नाम पे बना था, मोदी का चुनाव नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी अभी भी तो आ रहे हैं राजस्थान। गहलोत जी का चुनाव है मैडम, तो मोदी जी भी तो सामने आ रहे हैं। ये मैडम, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव गहलोत का है। ये गहलोत के नाम पे चुनाव हो रहे हैं। तो मोदी जी नहीं आ रहे, रैली नहीं कर रहे राजस्थान में? घर पड़ रहा है मोदी जी, फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? इतना घूम रहे इस चुनाव में मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल रहे बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, भावी मुख्यमंत्री। ये तो खुद ही बोल रहा है, मुझे चुनाव जिता काहे का मुख्यमंत्री, मंत्री भी ना बनना चाह रहे हैं। अच्छा, काहे का मैं मुख्यमंत्री? तो बोल तो रहे ना आगे कि चुनाव जिता दीजिए। नहीं, कौन बोल रहा है? बोल रहे एक मौका दीजिए बीजेपी। बाबा नहीं बोल रहे, गलत बात। एक मौका दीजिए, बाबा जी नहीं बोल रहा। और बोल रहे फर्जी। इतनी भीड़ जो है उनके साथ, भीड़ कहाँ है? कब देख ली? नामांकन वाले दिन देखा नहीं? सारे हरियाणा के लोग थे, सारे हरियाणा के लोग, 70% हरियाणा का और 30% लोकल। तिजारे के लोग नहीं है? 30%। तो अब ये जो यहाँ की लोकल जनता है, जो सारे समाज है, वो एक मैं साथ आपको मैडम ये बताना चाह रहा हूँ। अब तिजारे जो विधानसभा है ना, ये बहुत समझदार मतदाता है। अच्छा, ठीक है, भारी पसंद नहीं करता। लेकिन आप खुद बता रहे इतने साल से आप बीजेपी को वोट दे रहे थे, तो इस बार जनता भी तो ऐसी होगी जो हमेशा से बीजेपी को वोट दे रही है? हमेशा नहीं दे रही ना, हमेशा दे रही हूँ, अब की बार इधर दे रहे हैं ना। इमरान भाई लोकल है, ठीक है, और सबका काम करता है। आज एमएलए बनेगा, उसके बाद की बात छोड़ दे, कितना काम करेगा एमएलए? नहाए जब भी काम कर रहे हैं वे। काम किया है, काम करे 5 साल में। लेकिन मतलब जब सांसद के सामने आए थे, जब तो बाबा बालकनाथ बाजी मार गए थे। कब? पिछले साल, जब 5 साल पहले। बार बार कह रहा हूँ ना, वो एक दूसरा चुनाव थे। और बाकी पार्टियां भी तो है, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। लोकसभा के चुनाव थे मैडम, ये विधानसभा के चुनाव है, फर्क आ गया है। फर्क क्यों नहीं आ गया? लेकिन काम करेंगे तो विधानसभा हो लोकसभा हो जीत जाएंगे। ये डबल इंजन तो फेल, कोई कहीं पंचर हो गया, कोई कहीं पंचर हो गया, पता नहीं। फेल होगा ऊपर जाकर, ऐसा नहीं है। क्या नाम है अंकल जी? अमन खान जी, ग्राम पंचायत सरेटा। आप भी यहीं से? हाँ जी, अतिजारा से। ये जो बोल रहे हैं कि बाबा को पसंद नहीं कर रहा है कोई, नहीं पसंद कर रहे? क्यों नहीं पसंद कर रहा है? इसका काम अच्छा नहीं है। बाबा जी तो इतना घूम रहे हैं, स्वादु होते हैं जी। मैडम सामने, बाबा जी स्वादु होते हैं जी, स्वाद इसका क्या लेना देना है यहाँ पे बीजेपी? 8 साल से मैडम एमपी ने शकल नहीं दिखाई तिजारे में। अच्छा, आज तक विकास के नाम पे कोई बात नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, गहलोत की बात कर रहे हैं। गहलोत को वोट, विपक्ष की बात तो करेंगे? नहीं नहीं, गहलोत का विकास को वोट दे रही पब्लिक। क्या क्या काम हुआ है राजस्थान में? जब योजनाएं, बढ़िया पर्ची फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, 25 लाख का दवाई, जो 25 लाख का जो बीमा कराए, जो गरीब आदमी है और बीमार हो गए, 25 लाख का जो इलाज फ्री हो रहा है, इससे बड़ी चीज क्या होगी मैडम? जनता के जेब में रखा है 25 लाख रुपए। आधार कार्ड में कांग्रेस को वोट जनता इसलिए दे रही है कि 25 लाख का बीमा उसकी जेब में है। अच्छा। किराया भाड़ा ले जाओ और इलाज फ्री करवाओ। तो 50 लाख कर दिया आज, 50 सिलेंडर भी 400 में दे रहे हैं। मोदी जी ने 450 करे थे, गहलोत ने 400 रुपए का कर दिया है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या? अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे दिसंबर तक मांगा दो, उसके बाद में जो विधानसभा चाहेगी वो दंड में भुगतूंगा। अब तो होना कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी का चेहरा काम नहीं आएगा? नहीं आएगा, जनता समझ चुकी है 9 सालों में। क्या किया इसने? वो केंद्र के में समझी है, अभी बोल रहे हैं कि डबल इंजन में तो अलग काम करते हैं। इंजन तो एक तो बसोट हो चुका है साहब। अच्छा, हाँ, दूसरे इंजन भी अब बसोट होने वाला है। दो नाम है आपका? नाम अमर सिंह सैनी। अच्छा, आप भी मतलब सैनी समाज के लोग यहाँ भी ज्यादा मौजूद हैं। तो जी आप यही बताइए, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें आ रही हैं कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, जो साहब यहाँ पर सब जातियों का भाईचारा है, कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये तो बीजेपी वाले नारे लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से, एक इमरान कैंडिडेट ऐसा है तिजारा विधानसभा में जो 36 जात से वोट ले रहा है। अच्छा, ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें से वोट नहीं ले रहा। या हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है? मुस्लिम नहीं है, काम के नाम पर वोट। काम के नाम पर नहीं, बढ़िया आदमी के नाम पर। काम विकास तो करेंगे ऐसे आगे। हाँ। जब ये एमएलए बन जाएंगे उसके 5 साल में देखना कितना विकास हो। काम तो गरीब आदमी पहले भी कर रहे हैं, पर अब 5 साल बाद जब विधायक बनेंगे उसके बाद देखना कितना काम। मतलब आप अपने पूरे समाज की तरफ से बोल रहे हैं, सैनी समाज को? पूरे समाज की तरफ, पूरे समाज। तो देखो यहाँ कोई हिंदू मैडम, ये कोई हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है। मैं 36 जात की बोल रहा हूँ। मैं समाज की, मैं सैनी समाज की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 36 जात की ओर से बोल रहा हूँ। 36 जात मुझे जानती है, 36 जात का लड़ रहा हूँ।
36,000 पहलवान रह चुके हैं आप तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं 36,000 का माल खाया ओढ़ू, 36,000 का घी खाया ओढ़ू, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैं 36,000 का आदमी हूँ, 36,000 में मेरा पहचान है, 36,000 से वोट मांग रहा हूँ, 36,000 ही इमरान भाई को वोटिंग कर रही है। जो बाबा जी के सवाल आते हैं कई सारे, बाबा जी की हालात ये हो रही है, बाबा जी को पता हो ना अख्तियारा में ये हालात होगी तो चुनाव न लड़े। अच्छा इतना देर हो रही है मैडम, लेकिन अभी तो उठ गए हैं पूरा। क्या मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मैं विश्वास से कह रहा हूँ मैडम, 25 तारीख को 6 बजे बाद बोर्डा अपना बिस्तर उठा के और भाग लेंगे। मान लीजिए अगर जीत गए बाबा जी, संभव नहीं है, कहीं संभव नहीं है मैडम, ये हो ही नहीं सकता। आप इधर आ जाइए सर, जो बोल रहे हैं कि राजस्थान में योगी ले आइए, राजस्थान के योगी हैं, उन चीजों से बात नहीं बनने वाली। बोल कौन रहा है, बीजेपी बोल रही है, बीजेपी बोलना से कहाँ पर पड़ रहा है, बीजेपी कहीं बीजेपी इतना दमखम दिखा रही है। दोबारा अशोक गहलोत रिपोर्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, रिवाज बदल जाए राजस्थान में, हाँ बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल, रिकॉर्ड टूटेगा राजस्थान में, दोबारा से गहलोत जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं जनता की मैडम, खलक आवाज है, जनता की खलक आवाज राजस्थान में, दोबारा कांग्रेस रिपीट हो रही है, कांग्रेस रिपीट हो रही है। हाँ। तो जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार कर दिया 5 सालों में, काम नहीं कर पाई, अच्छे से नहीं चला पाई सरकार, ये तो मैडम हर पार्टी लगाती है। इमरान जी के लगाइए कोई आरोप, कौन लगाता है, मैं इमरान जी की बात कर रहा हूँ, इमरान जी कोई आरोप लगाइए, इस बाबा जी के हम 100 आरोप बता दें। बाबा जी तो इतने बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, दावे करते हैं ना खाली, मेरा समाज मेरे को वोट दे, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। 38,000 वोट है उस समाज की, तो वो तो देंगे उनको, 1,00,000 वोट है, मोमनी की बात करो तो आप, लेकिन वो वोट देंगे फिर याद से मैडम, करीबन 15,000 वोट इमरान भाई अहीरों की उठा रहा है। अच्छा 15,000 वोट अहीरों की इमरान भाई उठा रहा है, और तो बाबा बालकनाथ को क्या मिलेगा फिर, बाबा बालकनाथ को 40,000 वोटों में ही रह जाएगा, ये इतने कम, मतलब इतना बड़ा नेता को उतारने के बाद, सांसद उतारने के बाद, 40,000 वोटों में ही रह जाएगा ये। ये सांसद है ना, इसको अलग हटा के चुनाव लड़ाओ, इसकी 25,000 वोट आए, किसको हटा के, पूरी अलवर जिला की बात कर रहा हूँ। अच्छा इस बाबा जी की बात कर रहा हूँ, बोल रहे बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेल दिया यहाँ से बाबा को, लोकसभा की बात कर रहा हूँ ना, लोकसभा खाली मोदी लोकसभा तक सीमित है, विधानसभा में कोई लोकप्रिय नहीं है मोदी, मतलब बाबा बालकनाथ का जादू नहीं चल, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं सामने आगे, ये मैं कह रहा हूँ 36,000 मिलजुल के रहती है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारा भाईचारा है, आज से नहीं बहुत, जब से हम जन्म लिया जब से भाईचारा होता है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो ये क्या अफवाह बनाते हैं, ये परंपरा रही है बीजेपी, मैं बीजेपी में रहा हूँ, ये परंपरा रही है बीजेपी की, हम जहाँ 100 वोट हुए 1,000 वोट बनाते हैं, हम हवा हवा 1,000 वोट की बनाते हैं, पोल खोल रहे हैं बीजेपी, खोलूंगा जब कैंडिडेट ऐसे लिया लोकल को टिकट देता तो मैडम बीजेपी के साथ रहता, अभी भी बीजेपी के साथ लोकल टिकट आता, तो तिजारा है ना तिजारा, लोकल को टिकट मिलती, इस बाबा को टिकट नहीं मिलती, बीजेपी के साथ रहे, मैं खुली कह रहा हूँ, तो बाबा को मिल गई तो बगावत पे आ गए, बगावत क्यों नहीं आएंगे, जो आदमी जो एसी के जाते हैं ना, तो एसी के आदमी पैर छूते तो नुके हट जा परे, पैर गंदा हो जाए पैर। अच्छा अभी भी चल रहे हैं, इतना आगे बढ़ गए, विकास की बात हो रही है, अभी भी यहाँ पर ये चल, विकास की बात, इसका पता एक मैडम बोलती है ना, मैं उस पे एक एसी की पता है ना, इतने बहुत बुला कर रखा है वहाँ, मतलब आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं तिजारा में से, मैं ये कह रहा हूँ तिजारा विधानसभा में 50,000 रहेगा बाबा, 50,000 जी। आप एक बात बताओ, ये 9 तारीख को टिकट मिला था बीजेपी का, 9 तारीख से आज तक बाबा जी ने कोई विकास नाम की बात की है, सिर्फ क्या नाम है आपका, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि विकास की बात नहीं हो रही, तो बात किस चीज की हो रही है, बात ही नहीं हो रही, इसके पास सिर्फ 4 बातें हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई 7वां वर्ड ही नहीं है। ये बार इन्हें भाषण दिया बाबा जी ने, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहे हैं जी, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है ना, बोला था ना, अब हो लिया चुनाव, तो चुनाव हो लिया ना, भारत पाकिस्तान चुनाव हो लिया, मैच हो लिया ना, तो वही हालात चुनाव की। अच्छा ये किस चीज से जोड़ रहे हैं आप, पूरा अलग ले गए हैं चीज, नहीं ले क्यों ना जाए, बाबा जी कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, बाबा जी ने कहा ना, तो उनका मतलब क्या कहना चाह रहे थे, भारत पाकिस्तान का मैच, बड़े आदमी जो आप सांसद बता रहे हो ना, छोटी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बोल रहा हूँ, मतलब लेवल बहुत नीचे आ गया उसका, भाई मुझे आप बताओ ना, जब सांसद है, हाल सांसद है ना, और वे उसको जोड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम से, नहीं जोड़ना चाहिए ना, सांसद जीतने के बाद सबका होता है ना, विधायक जब जीतेगा इमरान सब जात का होता है ना, 36 जात का रहेगा ना, यमयोन का ही रहेगा, मामला थोड़े रहेंगे, 36,000 का है ना, फिर सांसद को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए बात ये ना कि आप पाकिस्तान बता रहा है जी, क्या नाम है सर, आगे आइए, दीन मोहम्मद,
मतलब इंडिया के आदमी को पाकिस्तान बता रहा है तो यहाँ हमारे हम सारे भाई मिलजुल के रहते हैं और उसमें आपस में हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई में मतभेद कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं क्या चिंगारी फड़क जाएगी इन सारी चीजों से? तिजारा के हालातों में कुछ अलग हो जाएगा क्या मैडम? इससे तो कुछ नहीं होगा मैडम। बीजेपी का उल्टा नुकसान हो रहा है। चुनाव तो मैडम है ना फिक्स हो चुका, पहले ही फिक्स हो चुका। अभी तो बचे हैं गिने चुने। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं बचा। एक दिन पहले भी खेला हो सकता है। कोई खेला नहीं होगा, कोई खेला नहीं होगा। अब देखिए आपसे बात करने में यार कि आप खुद बीजेपी से होके उनकी पोल खोले जा रहे हैं। जी जो आदमी मेरी बात सुनो मैडम, मेरा भाई भी हो ना और उसमें भी कुछ कमी हो ना तो मैं उसकी पोल खोलता हूँ। अच्छा। मैं बहुत बहुत सच्चा ईमानदार आदमी, ठीक है। तो अब की बार बीजेपी सिर्फ बाबा बालकनाथ को लेकर आ गई तो उनसे खपा हो गया? खपा नहीं, मैं कुछ तो गुण होना आदमी कैंडिडेट में, कुछ तो गुण होना चाहिए ना। हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं बार बार, नहीं कह रहे हर आदमी पाक साफ रहता है, कोई ना कोई कमी समय रहती है, पर कुछ तो गुण भी रहते हैं आदमी में। तो बोल रहे ना कि एक बार लाकर तो देखिए विधायक गुण रहता है। ला के देख लिया ना, इसका गुरु रहा 5 साल सांसद, 4.5 साल इसको हो गया। मैडम इसको तो 8 साल, 8.5 9 साल हो गए। 5 साल इसके गुरुजी रह गए, 5 साल इसके गुरुजी रह गए, 4.5 साल इनको हो गए। पूरी विधानसभा में एक विकास नाम का एक पत्थर दिखा दो आप बाबा बालकनाथ का, पूरी विधानसभा में हम वोट बीजेपी को दे देंगे। अच्छा इतना बड़ा चीज है कि पूरी विधानसभा में अगर एक बोर्ड बाबा का नाम का मिल जाए विकास का, हम वोट बीजेपी को दे देंगे। इतना कुछ भी जमीन स्तर पर काम नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको 9.5 साल हो गई सांसद रहते आलोक जिला का, आज तक रिकॉर्ड है इनका, है ना। ये पूरा जिला में 50 आदमी नहीं गिनवा, नाम नहीं गिनवा सकता पूरे जिले में। 9.5 साल में 50 आदमी नाम नहीं गिनवा सकता है बाबा, तो इसलिए खफा है। खफा क्यों नहीं? देखो जनता को क्या चाहिए? विकास, ठीक है। लेकिन हिंदुत्व की बात सामने रख रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैडम कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, जो हिंदू है उनको भी नहीं। ये भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। जो कुछ लोग है ना लफून टाइप असामाजिक तत्व, वो इस बात को फैलाते हैं। अच्छा। मतलब अभी जो ये हो रहा है कि इमरान खान वर्सेस बाबा बालकनाथ, कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ मैडम, 40% वोट हिंदू मिल रही है इमरान खान को। इमरान खान को आप बताइए कहाँ चुनाव बच गए? कहीं नहीं फिक्स हो चुका, चुनाव में कुछ रहा ही नहीं। एक तरफा माहौल है। 40 तरफा माहौल कैसे हो सकता है मैडम? एक तरफा चुनाव है। इमरान भाई कोई नहीं आवे, कोई चुनाव बीएसपी के कैंडिडेट, बीएसपी के एक तरफा चुनाव, एक तरफा। 40% वोट हिंदू में सारा है इमरान भाई को, 1 लाख वोट मुस्लिम है, कहाँ रह गया? टक्कर में है ही नहीं। 40% बाबा तो मंदिरों में जा जाकर रो रहा है, उसने सिलेंडर कर दिया, आज से 5 दिन पहले सिलेंडर कर दिया। अब मैं चुनाव हार चुका हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उसका। अच्छा, जो स्टेज पर भावुक होते हुए नजर आए उसकी बात करते हैं। उसमें तो वोट मांगने के लिए उसमें बाबा जी का एक वर्ड और भी है, अब मैं चुनाव हार चुका हूँ, आप मेरे साथ लगो, हिंदुत्व एक हो जाओ, क्या मतलब इसका? तो हिंदू भाइयों को एक करने वाले हैं, एक करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए मैडम, सुनो, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। हिंदू भाई समझ गए, हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं चलेगा। आप सब समर्थन में है कि कांग्रेस जीतने वाली है? 101% चलिए। तो ये जनता हमारे साथ है जो साफ साफ कह रही है कि चुनाव अब फाइनल हो चुका है कि जीतने कौन वाला है, अब कहीं भी आशंका की गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार भाई जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद, इसी प्रकार चलते हैं और जनता से बातचीत करते हैं, जनता के मुद्दों को पहुंचाते रहते हैं। बने रहना सर।